अरे ये क्या है, मिलने लगे विलेज में भाई। यार सॉरी, बोला तो सॉरी। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक, एंड भाई आ चुका हूं मैं फिर से एक और न्यू वीडियो लेकर। एंड गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी न्यू माइनक्राफ्ट की जर्नी। जी हाँ, माइनक्राफ्ट सर्वाइवल। तो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी ऑलरेडी एक माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज की जर्नी थी, एंड उसके साथ क्या हुआ मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। और आपको ये भी पता होगा कि उस वर्ल्ड में मैं नहीं जा सकता, बिकॉज उस वर्ल्ड को हीरो ब्राइन ने कम्प्लीटली लॉक कर दिया है। और अगर मैंने उसमें जाने की कोशिश करी या उस वर्ल्ड के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करी, तो भाई एंटिटी 303 और नल वापिस से आ जाएंगे और मेरा जीना आराम कर देंगे। तो ये चीज मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। और साथ साथ हमने कर्स्ड एसएमपी भी बनाई थी, एंड उसमें आपको पता ही होगा कि हमारे साथ क्या क्या हुआ था। फिलहाल की बात करें तो अब सब कुछ ठीक हो चुका है, और इस चीज से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, बिकॉज भाई इन सारी मुसीबतों से मेरा पीछा छुड़ चुका है। तो इसी के साथ देखो, सर्वाइवल सीरीज के साथ अपना एक अटूट बंधन सा जुड़ा पड़ा है, और मैंने सोचा कि क्यों ना सर्वाइवल सीरीज को वापस से रिबूट किया जाए। तो गाइस, ये होने वाला है अपना माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड 1, और मैं इस जर्नी में अकेला नहीं होने वाला, मेरे साथ एक और जना है। क्या बोला तूने? मेरे साथ एक और जना है। शाबाश। यस, मेरा और आपका सभी का फेवरेट हीरो ब्राइन। हीरो ब्राइन? अरे हीरो ब्राइन कहाँ गए तुम भाई? अरे वेदर खराब भाई, ये पक्का हीरो ब्राइन, मतलब आदत कैसे जाएगी भाई इसकी। वेदर खराब कर दिया पहले, अब भाई ये लो। हाँ, हीरो वाली एंट्री कर लो तुम। हाँ ये कर लो पहले। अरे क्या करें, सबकी आती नहीं, हमें इच्छा आती नहीं। छोटी बच्ची हो क्या? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि सर्वाइवल सीरीज तुम हवा में मत उड़ो, सबसे पहले जमीन पे आओ। और ये वेदर खराब करा है तुमने, इसे क्लियर करो सबसे पहले। मगर क्यों? अरे क्या क्या करूंगा इसका? ये वेदर क्लियर करो, मुंडी मत हिलाओ, वेदर क्लियर करो। हाँ जानते हैं भाई, मान लिया तुम्हारी एंट्री को, सुपर हीरो वाली एंट्री थी तुम्हारी। हाँ ठीक है। तो देखो, अब इस सर्वाइवल सीरीज के कुछ रूल्स हैं जो कि मैं तुम्हें समझा देता हूँ। पहली बात, मेरे को पता है तुम्हारे पास बहुत पावर्स हैं, तुम माइनक्राफ्ट के सबसे ज्यादा पावरफुल मॉब, और तुम कुछ भी कर सकते हो। देखिए, ऐसी मेरी तारीफ मत कीजिए। लेकिन तुम अपनी किसी भी पावर का यूज इस सर्वाइवल सीरीज में नहीं करोगे, बिकॉज यहाँ पे हम दोनों को बिल्कुल मतलब लेजिट होके खेलना है, समझ गए? यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा, समझे? नहीं समझे? नहीं, प्लीज इरेब्राइन समझ जाओ ना। देखो, हमें तुम्हें अपनी कोई भी पावर यूज नहीं करनी, तुम्हें हवा में नहीं उड़ना, तुम्हें कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे सिर्फ हम दोनों हैं, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ इस सर्वाइवल सीरीज को कंटिन्यू करो। अच्छा, बिकॉज हमारे तो अभी है नहीं, और तुम ही हो तो प्लीज मान जाओ यार। ठीक है, यस मान गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, हमारा स्पॉन पॉइंट इस बार बहुत बेकार है, बिकॉज हम ये बर्फ वाली बायो में स्पॉन हुए हैं। तो सबसे, अरे हीरो ब्राइन, ये क्या है? मैंने तुम्हें अभी समझाया हिंदी में, वो भी, खैर तुम्हें हिंदी नहीं आती, लेकिन हाँ मैंने तुम्हें अभी इतनी मुश्किल से समझाया कि हमें इस वर्ल्ड में कोई चीटिंग नहीं करनी। और मैंने वहां पे तुमसे बोला कि ये स्पॉन पॉइंट हमारा बेकार है, तो तुमने यहाँ पे विलेज के पास सीधा स्पॉन कर दिया। यार ऐसे हीरो ब्राइन, ऐसा होगा तो मैं नहीं खेलना, मैं जा रहा हूँ। तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। ठीक है, तो फिर मेरी बात मानो ना, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम अपनी पावर्स यूज नहीं करनी, तुम्हें कुछ भी यूज नहीं करना। ठीक है, कुछ करोगे यूज अब? इधर देखो, इधर गुस्सा मत हो, कुछ करोगे अब यूज? नहीं करोगे ना? ठीक है, तो चलो अब तुमने स्पॉन कर ही दिया है, तो फिर आजा चलते हैं। आरामी मानुस, दो दिल में पलट गया, वाह। देखो सबसे पहले सामने विलेज है, तो हमको जरूरी चीजें चाहिए होती है। ठीक है, सबसे पहले देखो, हमें चाहिए होंगे वुडन टूल्स, देन इसके बाद हम माइनिंग पे जाएंगे, आयरन का आर्मर बनाएंगे, फिर हम थोड़ा घर वगैरह बनाएंगे, और फिर ऐसे ऐसे करके लास्ट हमारा टारगेट रहेगा नेदरराइट का आर्मर लेना, और नेदरराइट के टूल्स लेना। ठीक है? अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। अरे यार क्या कर रहे हो ये, इसे वापस उठाओ, इसको गायब करो सबसे पहले। तो तुम्हें अभी तो समझाया यार, नहीं करना, हमें ये सब खुद करना है, खुद मेहनत से करना है। ठीक है, चलो फिर आ जाओ, चलो मेरे पीछे आओ, हमें विलेज जाना, और रात भी हो रही है, तो सबसे पहले हम सो के दिन करेंगे। ठीक है, चलो। अरे क्या है ये क्या है? मैंने तुम्हें अभी तो बोला, तुम रुको, तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैंने तुम्हें अभी हिंदी इतनी बार समझा दिया तुम्हें कि मत करो पावर यूज, अभी रात हो रही थी, तुमने दिन कर दिया यार। भाई हीरो ब्राइन क्या कर रहे हो यार, ये तुम क्यों परेशान कर रहे हो यार, तुम्हें मैं समझा रहा हूँ भाई, मैं नहीं खेला तुम्हारे साथ, मैं जा रहा हूँ, जाओ, मैं खुद खेल लूंगा इस सर्वाइवल जर्नी में। नहीं, मैं नहीं बात कर रहा तुमसे, मेरे पीछे मत आओ तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, अब मैं जा रहा हूँ, और मेरा पीछा मत करना। हाँ बिल्कुल, वहीं खड़े रहो, और बाय। भाई बात ही नहीं। हेलो दा, अभी यार मैंने ये बोला है कि मेरा पीछा मत करना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे ही अपने पास बुला लो यार। प्लीज हीरो ब्राइन मान जाओ यार, तुम मेरे को पता है तुम मेरे मजे ले रहे हो ना, सीरियस हो तुम, घंटा सीरियस हो तुम, क्या ये क्या क्या चल रहा है ये यार।
मैं क्या करूँ यार, मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी यार, हीरो ब्राइन तुम्हें इस सीरीज में लगे, तुम बात ही नहीं मान रहे यार, प्लीज मान जाओ, प्लीज 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 मान रहे हो? पक्का? इस बार पक्का है ना? ठीक है, तो अब जो मैं बोलूँगा वही करना है यार। मेरे को पता है यार ये सब तुम खुद भी कर सकते हो, लेकिन ये हमारे लिए एक चैलेंज है और तुम्हें चैलेंज पसंद है ना। ठीक है, तो मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि तुम्हें अपनी पावर्स यूज नहीं करनी, ठीक है? ठीक है, पावर्स ना। हाँ चलो, फाइनली मान गया, मेरे को लगा नहीं मानेगा, तो चलो आप मेरे पीछे पीछे आओ। हीरो ब्राइन, सामने की तरफ एक और विलेज है, देखो सामने। ये क्या बदतमीजी है, नहीं मतलब ये इतनी ऊंची जंप कौन मारता है भाई, ये तो जंप बूस्ट 2 से भी इतनी ऊंची जंप नहीं मार सकते। इधर देखो, इधर मुंह मत छुपाओ, अब मैंने पकड़ लिया तुम्हें रंगे हाथ। यार प्लीज मान जाओ हीरो ब्राइन, प्लीज अब तो नहीं करोगे भाई? इसने वुडन टूल कब बनाई? ये क्या था, ये क्या था, दोबारा दिखाना वुडन टूल के बाद ये जो तुम्हारे हाथ में आया था, क्या था ये? ओ बोट, ठीक है तो ये बोट मुझे दे दो भाई। इसने ये सब कब बनाया पता भी नहीं चला। तो देखो हीरो ब्राइन, अभी के लिए हमको दो विलेज मिल चुके एक साथ में, तो ये वाला विलेज तुम लूटो और सामने वाला विलेज मैं लूटने जा रहा हूँ, ठीक है? और इस बार कोई चीटिंग नहीं, बिल्कुल ढंग से खेलोगे ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, ये हुई ना अच्छी बात। चलो मैं जाता हूँ फटाफट सामने वाला विलेज लूटने। तो चलो गाइस, फाइनली हीरो ब्राइन आखिर माना, तो मतलब इतनी ज़्यादा समझाने के बाद वो मान ही गया, और देखो अभी भी जमीन पे चल रहा है। यस, तो अपना मिशन सक्सेसफुल होता है, बस इसको किसी तरह समझाना है, और बाकी तो यार इस वाले सर्वाइवल सीरीज में काफ़ी ज़्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलो मैं पहुंच चुका हूँ इस वाले विलेज के पास में, और अब फटाफट बस यार इस वाले विलेज से अच्छी लूट मिल जाए मेरे को। तो सामने की तरफ दो घर है, तो सामने से मैं लूटना स्टार्ट करता हूँ और देखता हूँ कि मेरे को क्या क्या मिलता है। फर्स्ट घर में कुछ नहीं है सिवाय बेड के, सेकेंड घर में भी कुछ नहीं है, थर्ड घर में भी कुछ नहीं है। भाई ये कैसा विलेज है? वो यहाँ पे ये क्लरिक का घर है, और क्लरिक के घर में भाई क्या मिलेगा, लेट्स सी। सिवाय एक टॉर्च के कुछ। भाई ये क्या फकीर विलेज है भाई, कुछ है कि नहीं खाने तक के लिए, भाई हेबेल्स नहीं रखी है भाई। सच में यार इनसे ज्यादा कामचोर विलेजर मैंने आज तक नहीं देखे भाई, कुछ है ही नहीं पूरे विलेज में। बस यार हीरो ब्राइन को कुछ मिल जाए, बिकॉज वहाँ पे एक वेपन स्मिथ का घर भी था, तो उससे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और इस पूरे के पूरे विलेज में कुछ नहीं है भाई साहब, मतलब इससे भाई यार विलेज मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा यार। अब हीरो ब्राइन का मेरे को वेट करना है, हीरो ब्राइन आया नहीं अभी तक। ओह गाइस फाइनली सामने की तरफ से हीरो ब्राइन आ रहा है, और देखते हैं भाई पता नहीं है क्या क्या लाया होगा। होप सो उस वाले विलेज से कुछ मिला भाई, इस वाले विलेज से एक बेड और टॉर्च के अलावा तो कुछ मिला नहीं। हेलो हीरो ब्राइन, इधर आओ, इस वाले विलेज से तो कुछ भी नहीं मिला सिवाय इस बेड के और इस टॉर्च के। तुम्हें क्या क्या मिला? ओके खाना, ठीक है सबसे पहले मेरे को खाना तो चाहिए ही था। अरे ये क्या है, एक सेकंड ये क्या है एक, अरे भाई क्या क्या मिल गया, ये विलेज से मिला है, ये विलेज से मिला है। अरे भाई एंचेंटेड गोल्डन एप्पल, ये विलेज से मिला है भाई। इस बंदे को रत्ती भर के मतलब इतनी सी भी शर्म नहीं आ रही झूठ बोलते हुए। इधर देखो, इधर कहाँ ये विलेज में कब से मिलने लगा, सच बोल लो। ओ देखो देखो कितना सच बोल रहा भाई, ये इसकी है, ये क्या है ये, सॉरी माफ कर दे रहा, गलती से मारा, सॉरी यार। तुम मेरे को गुस्सा दिला रहे हो हीरो ब्राइन, ये नेदरराइट का हेलमेट वेस्ट और ये एंचेंटेड गोल्डन एप्पल कब से मिलने लगे विलेज में भाई? यार सॉरी बोला तो सॉरी भाई, गलती से मार दिया था यार, गलती से क्लिक हो गया था, माफ कर दो। अगर एक बार वो लाइट नहीं करी मैं मर जाऊंगा, प्लीज सॉरी। हाँ आज के बाद पक्का यार, पहली बार हुआ है कि मैंने तुम पे हाथ उठाया हो, पर यार तुम मेरे को गुस्सा दिला रहे हो। और ये नेदरराइट का हेलमेट ले रखा है, ये विलेज में ये सारी चीजें नहीं मिलती। देखो मैंने तुम्हें समझाया था ना, हमें बिल्कुल लोयल होके खेलना है, कोई चीटिंग नहीं, समझ रहे हो कि नहीं तुम? ठीक है तो बिल्कुल ऐसे खेलो, अब ये सारी ये चीज़ें ये हटाओ जो भी तुमने चीटिंग से ली है ये सब। भाई ये एंचेंटेड गोल्डन एप्पल खा रहा है भाई, सीरियसली? ठीक है अब खा लिया हो तो प्लीज़ इसको गायब करो हाथों से। कर लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है तो देखो, अब उस विलेज से भी कुछ नहीं मिला, इस विलेज से भी कुछ नहीं मिला, तो अब ऐसा करते हैं कि रात होने से पहले हम बनाते हैं अपने लिए एक बेसिक घर, बिल्कुल बेसिक घर हमें बनाना है, मतलब कि सिर्फ चार दीवारी बनानी है। तो लग नहीं रहा तुम अभी भी मेरी बात मानोगे, तो इसलिए देखो तुम यहाँ पे कोई भी एक अच्छी सी जगह ढूंढ लो, और मैं भी सामने की तरफ कोई अच्छी सी जगह ढूंढ लेता हूँ, एंड देन तुम भी अपना घर बनाओ, मैं भी अपना घर बनाता हूँ, ठीक है? और सब कुछ मतलब बिना चीटिंग के। अरे बहुत बढ़िया, बस हाँ ऐसे ही वुड से, बहुत बढ़िया। तो चलो गाइस, होप सो, मेरे को लग नहीं रहा, लेकिन होप सो हीरो ब्राइन प्लीज इस बार यार ढंग से खेले,
तो गाइस सामने की तरफ ये पेड़ है, तो फटाफट यार मैं वुड कलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे कि मैंने बताया कि हम बिल्कुल एक बेसिक घर बनाने वाले हैं, तो वुड वगैरह कलेक्ट करके फटाफट मैं घर बना लेता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो घर बनाऊँ ना वो सामने की तरफ कहीं पानी में बनाऊँ। तो फाइनली गाइस यहाँ पे यार हमारा घर बनके तैयार हो चुका है। पर भाई सच में यार मैंने चार दीवारी बनाई है। अब आगे चल के यार हम बहुत ही ज़्यादा तगड़ी तगड़ी चीज़ें बनाने वाले हैं, और यह साथ में एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा घर भी बनाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमने सिर्फ काम चलाने के लिए घर बनाया है। तो चलो फिर रात हो चुकी है, तो मैं फटाफट सो के दिन कर लेता हूँ। और पता नहीं यार हीरो ब्राइन ने कैसा घर बनाया होगा, मतलब उसका घर देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज पहली बार हीरो ब्राइन अपने हाथों से कुछ बनाने जा रहा है, वो भी एक घर। तो यस, तो चलो गाइस दिन हो चुका है और आप चलते हैं सबसे पहले हीरो ब्राइन को ढूंढते हैं। और पता नहीं उसने अपना घर कहाँ पर बनाया होगा, ज़्यादा दूर तो नहीं बनाया होगा, यहाँ कहीं आस पास ही बनाया होगा। और एक सेकेंड भाई, ये सामने की तरफ ये क्या है भाई? अरे भाई ये क्या, ये है क्या? अरे भाई जल्दी पास जाके देखना पड़ेगा भाई। ये हीरो ब्राइन ने क्या कर दिया भाई? ये भाई साहब ये इतना तगड़ा बिल्डर कब से बन गया? और एक सेकंड भाई साहब ये तो पूरा का पूरा बंगला। और एक सेकंड, ये यहाँ पानी में मस्त स्विमिंग कर रहा है। हेलो हीरो ब्राइन, अरे हीरो ब्राइन इधर देखो, इधर इधर इधर। एक सेकंड मैं ही वहाँ पे आ रहा हूँ। ये क्या बनाया भाई इसने? ये तो पूरी रईसों वाला, मतलब ये रईसों वाली जिंदगी जी रहे हैं। स्विमिंग पूल, इतना तगड़ा बड़ा मॉडर्न हाउस बना दिया भाई। ये बंदा ना नहीं मानेगा, मैंने उसको मना किया था कि अपनी पावर्स का यूज़ नहीं करना है, लेकिन ये बंदा मेरे सुने तब ना। अब भाई सबसे पहले तो मेरे को यहाँ से नीचे कूदना पड़ेगा और इसके पास जाना पड़ेगा। भाई क्या घर बना दिया यार इसने इतनी सी देर में, मतलब वहाँ मैंने वो छोटा सा घर बनाया और यहाँ इसने पूरा का पूरा एक मॉडर्न हाउस बना के खड़ा कर दिया। भाई क्या ही घर बनाया यहाँ पे, ये इसने ये गोल्फ खेलने के लिए बना रखा है। और ये इस रूम में क्या है भाई, क्या क्या बना दिया इसने? ओहो ये मूवी थिएटर बना दिया एक, पीकन उकर भाई मूवी थिएटर, सीरियसली? और क्या क्या बनाया इसने भाई, गोल्फ, मूवी थिएटर, स्विमिंग पूल। और ये पीछे की तरफ क्या है? ओके ये एग्जिट गेट बनाया भाई, क्या ही घर बनाया इसने। और यहाँ पे ये क्या है? ओ ये बेडरूम बनाया। और भाई साहब कुछ लग, अरे 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 इधर 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 इधर, पीछे देखो पीछे भाई, देखो देखो कैसे भाग रहा मेरे से। ओए इधर रुको 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 रुको, ओए पीछे देखो पीछे पीछे, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ अरे कहाँ भागो, कहाँ तक भागोगे? ये क्या बनाया तुमने, ये तुमने सर्वाइवल में बनाया? भाई ये बंदा कितना झूठ बोलता है यार, मतलब वहाँ मैंने एक चार दीवारी का घर बनाया और तुमने इतने में ये सब बना दिया है? इतना कुछ सामान कहाँ से मिला तुम्हें, कहाँ से मिला है? हाँ सोच लो बहाना, सोच लो कोई। हाँ इधर उधर क्या देख रहे हो, इधर बात करो, इधर इधर इधर, कहाँ से मिला ये सारा सामान? मतलब इतना बड़ा घर, मूवी थिएटर और गोल्फ खेलने का वो, और इतना बड़ा मतलब स्विमिंग पूल बना दिया तुमने, क्या यार ये क्या चल रहा है भाई साहब? हाँ कहाँ से मिला सामान, मार कर रहे हो अब? वाह देख रहे हो भाई, स्विमिंग करने के लिए बुला रहा है ये मेरे को, मेरे को नहीं करनी स्विमिंग। पहली बात तो यार मैं तुमसे गुस्सा हूँ, मैं तुम्हें समझा समझा के थक चुका हूँ, तुम मेरे से बुलवाए जा रहे हो। मैं जा रहा हूँ भाई, अब मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ। अब तुम्हें जैसे खेलना है खेलो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अब तुम अपने घर के साथ खुश रहो, तुम्हें जो करना है वर्ल्ड में करो, मैं जा रहा हूँ। और मेरे पीछे मत आना, पहली बता रहा हूँ। भाई क्या ही करूँ भाई, ये बंदा भाई सीरियस होके खेलने को तैयार ही नहीं है। तो चलो गाइस वो अपने सामने की तरफ छोटा सा घर। तो गाइस यस यही था यार अपना एपिसोड वन। और भाई मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कि हीरो ब्राइन के साथ मेरे को इस सर्वाइवल सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। खैर जो भी हो भाई, घर तो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया है इसने, मतलब कुछ तगड़ा घर बनाया भाई, सब कुछ बनाया भाई, मॉडर्न हाउस है पूरा का पूरा। तो यस गाइस आप सभी मेरे को कमेंट सेक्शन में एक चीज़ बताओ कि क्या मैं हीरो ब्राइन के साथ ये सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ। भाई उसको समझाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन वो समझ जाएगा। अब भाई उसकी भी गलती नहीं है, बिकॉज वो माइनक्राफ्ट का बॉस है, उसको ये सब यार ब्लॉक्स वगैरह तोड़ने की आदत नहीं है, ये सब मैं उससे मजदूरी वाले काम करवा रहा हूँ। खैर दोस्त है मेरा, तो अगर प्यार से समझाऊंगा तो समझ जाएगा। तो यस आप सभी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरे को उसके साथ ये सर्वाइवल सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो बस गाइस यही था आज का एपिसोड। इस वाले एपिसोड में हमने एक रहने के लिए जगह ढूंढ ली, और जहां से हम इस सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं, घर बनाने वाले, वो सारी जगह ढूंढ ली है। अब नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम बाकी की अदर चीजें करेंगे। तो चलो गाइस मैं मिलता हूं आप सभी को ऐसी एक और न्यू कमाल की सर्वाइवल सीरीज के एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, पीस।